गली से आते हैं, इस गली से नजारा। और ये जो लाइटें लग रही ना, इसका स्क्रीनशॉट है। तो सारे पाकिस्तानी इधर से कहते हुए जाते हैं कि अगला जुम्मा दिल्ली में सब्जी का ठेला माल लगवाया था। सब्जी का ठेला आप लगवाया गया था आपका। अच्छा, उसका पेमेंट भी आपको मिला होगा? हाँ, 500 रुपए। पाँच का लड़का आया था सब्जी लेने। सब्जी लेने आया था आपके पास? और जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती है। अच्छा, वो दिखा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेयर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है और एक जिला भी है, एक शहर भी है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही, कुछ दिन पहले ही गदर 2 का टीज़र रिलीज़ हुआ है, जिसके अंदर कुछ सीन लखनऊ से दिखाए गए हैं, कुछ सीन लद्दाख के हैं और भी बहुत सारे सीन हैं जो कि टीज़र में नहीं अभी दिखाए गए हैं। क्योंकि मैंने गदर 2 की लोकेशन बहुत, मतलब लगभग लोग कवर किए हैं, 3-4 पार्ट कवर किए हैं, जहाँ से वो मेला में जाते हैं सन्नी पाजी और फिर वो पाकिस्तान की बस में बैठते हैं चुपके से, वो सारे सीन मैंने कवर किए हैं। अभी मूवी नहीं आई है, मूवी आएगी तो हम आपको अच्छे से परफेक्ट लोकेशन दिखाएंगे। अभी जो टीज़र के अंदर जो सीन दिखाए गए हैं लखनऊ के, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों गदर 2 का टीज़र आया है तो उसमें एक डायलॉग आता है, मोहतरमा कहती हैं कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, अगर तीखा लगा तो इस बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। तो ऐसे करके एक डायलॉग है। और सन्नी पाजी इस बार नल नहीं, इस बार रथ का पहिया नचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी सारी लोकेशन में दिखाऊंगा गदर 2 मूवी आने के बाद में। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जस्ट हमारे बगल में ये है इस साइड रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और इधर है क्लॉक टावर जो घंटाघर है लखनऊ का, उसी जगह पे खड़े हुए हैं। यहाँ इस क्लॉक टावर का ड्रोन शॉट लिया जाता है और इधर से बहुत सारे पाकिस्तानियों की भीड़ जाती रहती है। वो जो सीन दिखाया गया है ट्रीजन में, वो ड्रोन शॉट का दिखाया गया, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और वो स्क्रीनशॉट भी मैच करूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगा और चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्लॉक टावर है जो लखनऊ का घंटाघर भी से बोलते हैं, तो इसका नज़ारा दिखाई देता है गदर 2 मूवी के अंदर। और यहाँ पे अभी सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात बैठी है, यहाँ पे देख सकते हो। और उस साइड से लाइब्रेरी के सीन लिए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिल्म शूट हो रही थी जब अभी बता रहे थे आप, गदर 2। अच्छा कितने लोग थे जो यहाँ पे शूटिंग चल रही थी? बहुत लोग थे। क्या क्या सीन यहाँ पे फिल्माया गया था? वैसे यहाँ पे बनवाया दिखाया गया था कि वो बस चल रही, बस चला रहे थे। अच्छा, बस चला रहे थे ना, और गाड़ी चला रहे थे। और जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती है। अच्छा, वो दिखा रहे थे यहाँ। अच्छा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखा रहे थे अंकल। फिर उसमें कितने लोग थे, मतलब भीड़ भाड़ थी? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। जैसे क्या बोल रहे थे, इंडिया बॉल को अभी बता रहे थे कि बॉल लोग कर रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा नारे लगे, नारे लगे। सन्नी देओल थे इधर ही? हाँ देखा आपने? हाँ देखा। और हमारे सब्जी ठेला भी लगवा लगवाया था वहाँ लोगों ने। क्या लगा? सब्जी का ठेला वहाँ लगवाया था। सब्जी का ठेला आप लगवाया गया था? हाँ। अच्छा, उसका पेमेंट भी आपको मिला होगा? हाँ, 500 रुपये। 500 रुपये पर डे का? कितने दिन लगाए थे आप? 2 दिन। 2 दिन यानी 1000 रुपये का हो गया लगा। 2 दिन आपने सामान इसमें सब्जी वगैरह रखा होगा, उसका क्या होता था? वो वापस आया था। अच्छा, वो तुम्हारे ठेली लगवाते थे उधर, आपने ठेली लगाई सब्जी की, आपका भी आएगा सीन उसमें? आपके पास सही में अंकल? अच्छा, तो आप दिखोगे हमें? हाँ जरूर, मूवी में देखने को मिलोगा। फिर क्या सब्जी लेते थे, मैं क्या बोले वो पूछे सब्जी क्या भाव है, ये क्या भाव है, ये भाव पहले समझाया होगा कि ये वो बताया था। अच्छा बताया था। अच्छा, लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ? लड़ाई झगड़ा ऐसे यहाँ पे नारा लगाता है, नारा लगाता है। वो फाइट मारते थे, जो को दिखाते थे उनको। हाँ। वो 2-3 थे। अच्छा, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी होगी, देख भी रहे होंगे? हाँ बहुत भीड़ थी यहाँ पे, सिक्योरिटी भी लगा रखे होंगे। रोड चालू था? नहीं, रोड बंद करा दिया। कितने दिन यहाँ पे चली थी शूटिंग? यहाँ पे चली थी 3 दिन। 3 दिन कह रहे थे, उधर भी साथ हुआ है उस साइड? हाँ वहाँ भी हुआ, गैलरी के साथ पिक्चर गैलरी ये है, और ये सामने एक दिन इधर हुआ, 2 दिन इधर हुआ। इधर क्या बनाया गया था, पाकिस्तान जैसा कुछ? हाँ
अभी कुछ उन्होंने लिखा पोस्टर वोस्टर लगाए भी थे कुछ क्या? नहीं वो झंडे लगाते नहीं पाकिस्तान वाले, झंडे तो लगे हमें, हट गए फिलहाल अभी। हां तुरंत हटाए थे वो, छोटे खत्म हुए थे झंडे। अच्छा इधर पीछे भी हुआ था इमामबाड़े का। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है छोटा रूमी दरवाजे का गेट, इसको भी छोटा रूमी दरवाजा का गेट बोलते हैं। तो यहीं पे बनाया गया था पाकिस्तान का चेक पोस्ट, जैसे कोई इंडिया से गाड़ी आती है तो यहाँ पे उसकी चेकिंग होती है। तो ये बॉर्डर का सीन दिखाया गया है और इधर पूरा पाकिस्तान बनाया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं वो उधर से जाते रहते हैं। तो ड्रोन शॉट में इसका दिखाई देता है सीन, ये जो आप देख रहे हैं, और ये पिक्चर गैलरी, इसका भी सीन दिखाई देता है। अगर आप लखनऊ के वासी हैं तो आप ज़रूर जान जाएंगे ये पिक्चर गैलरी है, और ये भी शायद पिक्चर गैलरी की तरह है। और ये वाला गेट दिखाई देता है ड्रोन शॉट के अंदर, और ये पीछे दिख रहा है, पीछे इस साइड में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये क्लॉक टावर, एक साथ में सारे सीन दिखाई देते हैं। मैं अभी उसी रोड पर चलूँगा जिस रोड से वो पाकिस्तानी जाते रहते हैं, पाकिस्तान के जो लोग, और उस टेलर के अंदर जो सीन दिखाई देते हैं वो आपको दिखाएंगे चल के। पहले भी मैंने यहाँ के जो सीन है वो कवर किए हैं, तो टीज़र नहीं आया था तो उतने अच्छे से नहीं कवर कर पाए थे कि कहाँ से सीन लिए गए, बट जो सीन है ना यहाँ से ही फिल्माए गए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से भी सीन फिल्माया गया था, जो गदर 2 का एक शॉट भी वायरल हुआ था, यहाँ पे बस जैसी खड़ी रहती है। तो देख सकते हो अभी उसी रोड पे चलने वाले हैं, वहाँ से आपको सीन हम आपको परफेक्ट दिखाएंगे। दोस्तों अभी उसी लोकेशन में पहुँच चुके हैं जहाँ से वो पाकिस्तानी बोलते जाते हैं कि इस बार जुमा जो है ना दिल्ली में पढ़ी जाएगी। क्या बोलते हैं सचिन, कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में। तो वो पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं वो इधर से जाते हैं, अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने एक ये कोल्ड ड्रिंक ली थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पानी भी ख़त्म हो गया था। मैं आपको बता देता हूँ, जब वो इस गली से आते हैं, इस गली से नज़ारा दिखाई देता है, और ये जो लाइटें लग रही ना इसका स्क्रीनशॉट में मैच हो जाएगा, और ये जो पीछे लाइब्रेरी टाइप की ये बनी है ये दिख जाएगी आपको। एक चीज़ आपको बता दें, तो सारे पाकिस्तानी इधर से कहते हुए जाते हैं कि अगला जुम्मा दिल्ली में, मतलब अगली जो जुम्मा जो है पढ़ी जाएगी वो दिल्ली में पढ़ी जाएगी। और यही वो रास्ता है ड्रोन शॉट में आपको दिखाई देगा। आपको एक चीज़ बता दें, स्क्रीन शॉट में देखो ये जिसपे वो एसी का वो रखा है ना, वो कटर, वो जो बोल उसको मतलब हवा पास करने वाला, तो इसका सीन दिखाई देता है स्क्रीनशॉट में, आप मैच कर लेना। यहां से सारे पाकिस्तानी जाते रहते हैं गदर 2 के टीजर के अंदर, तो यहीं से सीन दिखाई दिया जाता है। और एक चीज आपको बता देते हैं, धूप इतनी तेज है थोड़ी क्वालिटी कमजोर हो सकती है। इधर आप देखेंगे तो इधर वो घंटा घर है, और इस घंटे घर का भी सीन उस ड्रोन शॉट के अंदर दिखाई दिया जाता है, आप देख सकते हो। बारी जूम करना थोड़ा, वो जो सामने गेट है ना ये भी आपको ड्रोन शॉट में जो टीजर था उसके अंदर नजर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इसी गली से वो सारे पाकिस्तानी जाते रहते हैं, यही वो पूरी रास्ता है, वहां से निकलते हैं पूरा। आप स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, वहां से आप मैच कर लेना। वहां से निकलते हैं, कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में, ऐसे करते वो जाते रहते हैं इस गली से। तो दोस्तों ये अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, अगर आप अगर लखनऊ से होंगे तो आपको लोकेशन परफेक्ट पता पड़ जाएगी, ये लोकेशन कहाँ पे है। इस साइड में घंटा घर है, ये लाइब्रेरी का भी सीन दिखाई दिया जाता है उसके अंदर, और इसका सीन दिखाई दिया जाता है, स्क्रीनशॉट सारे लगा दूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं कोठरी है, इसका भी सीन दिखाई दिया जाता है। एक बार में आपको ये इधर जो लाइब्रेरी बनी है वो दिखा देता हूँ, वो भी ड्रोन शॉट में नज़र आती है, देख सकते हो यहाँ से ये पूरी। और अभी कोई यहाँ पे स्थानीय मिलेगा उससे पूछने की कोशिश करेंगे वाकई में यहाँ पे क्या गदर 2 की शूटिंग हुई थी, कितनी हुई थी, क्या हुई थी। और गदर मूवी आएगी पूरी तो आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाएगी, और हमारे चैनल पे भी आपको शूटिंग लोकेशन के वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों बैक कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये है घंटाघर, और ये है लाइब्रेरी, और ये वो वाला गेट है, और ये वो वाली लाइब्रेरी है। तो इन सभी बिल्डिंगों का सीन दिखाई देता है एक ही स्क्रीनशॉट में, देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और ये वही रास्ता है जहाँ से वो पाकिस्तानी सारे जाते रहते हैं, और इन लाइटों का सीन दिखाई देगा एक बार, आप मैच कर लेना, जो लाइटें लगी ना रोड के किनारे किनारे, ये सारे सीन। ये छोटा रूमी दरवाज़ा है, इसे पाकिस्तान का मतलब चेकिंग चेक पोस्ट बनाया गया था, इंडिया और पाकिस्तान का चेक पोस्ट। तो आप स्क्रीनशॉट में इस गेट को उसी तरीके से मैच कर सकते हो जो टीजर में दिखाई दिया था।
जो गदर और गदर 2 11 अगस्त तक आ जाएगी आपके सिनेमा घरों में, तो देखने के लिए ज़रूर जाना। तो देख सकते हो यही है पूरा गदर 2 वाला लोकेशन, और यह है गदर 2 वाला पाकिस्तान जो कि लखनऊ के अंदर बनाया गया था। जिनको नहीं पता है वो हमारे वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी देख रहे हैं, इसका सीन दिखाई देता है ड्रोन शॉट के अंदर। एक चीज़ आप मैच करना, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से। ये जो जहाँ पे ऑटो खड़ा ना, ये उसके जस्ट पीछे ये जो बना है वो झरना जैसा पानी वाला, ये वाला, ये भी दिखाई देता है। लेकिन पीछे का जो छोटा वाला रूमी दरवाज़ा है, इस जगह पे और ही कुछ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है ग्रीन पर्दा डाला गया था। ये आपको नहीं दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में, मैं एक बार वाइड कर देता हूँ अगर कवर हो जाता है उतने में। तो देख सकते हो दोस्तों, ये और ये पूरा सीन मैच हो जाएगा। ये वाला जो ऑटो जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके सामने, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, यहाँ से ये वाला, ये दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में, लेकिन ये पीछे का ये नहीं दिखाई देगा। ग्रीन पर्दे का कमाल यहाँ पे VFX का यूज किया है गदर 2 वालों ने यहाँ पर। अभी मैं देख रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ आपको तो मैच हो जाएगी, ये वाली देख सकते हो, ये वाली मैच हो जाएगी, लेकिन ये भी मैच हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके पीछे का ये रूमी दरवाज़ा नहीं मैच होगा स्क्रीनशॉट में। यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा दिखा दिया गया है ग्रीन पर्दे की कमाल से। तो दोस्तों देख सकते हो, यही है पूरा पाकिस्तान का सीन जो दिखाई दिया जाता है टीज़र के अंदर। मैंने कई स्क्रीनशॉट लगाए हैं, आप मैच कर सकते हो। दोस्तों गदर 2 मूवी टीज़र के अंदर इसका भी सीन दिखाया गया। इसको अभी मैंने पूछा तो किसी ने सतखंडा बताया, मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 ही हैं, वो 2 पर अभी बना देंगे, रिपेयर कर दिया गया ऐसा। तो गदर 2 का टीज़र आ गया, फिल्म भी आने वाली है, जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। और मुझे बताइए टीज़र आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से टीज़र जो है ना 1 मिनट का दिखाया, तो टीज़र कम से कम होना चाहिए था 3-3.5 मिनट का, तो थोड़ा अच्छा भी रहता। तो यही पूरा नज़ारा दिखाई देता है, ये सारा ड्रोन शॉट में आपको देखने को मिल जाएगा टीज़र के अंदर सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर ग्रीन पर्दे का कमाल फिल्म वालों ने किया है, छोटे रूमी दरवाजे को, छोटे इमामबाड़े को हटा दिया है, यहाँ पर ग्रीन पर्दा डाल के दूसरा गेट बना दिया है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गदर 2 मूवी का आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा है वो मुझे बताना कि किस लिए आप देखने चाहेंगे। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय।